स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। आज बात करेंगे बिहार में लॉकडाउन को लेकर। बिहार में लॉकडाउन तब नहीं लगाया गया जब बिहार में ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीजन के कमी से लोग मर रहे थे। बिहार में लॉकडाउन तब लगाया जाना था जब एक बाप अपने बेटी के गोद में दम तोड़ रहा था। लॉकडाउन तो तब लगाया जाना था जब किसी माँ के सामने उसका बेटा अपना दम तोड़ दे और कितनों का परिवार उजड़ गया। लेकिन बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया गया क्योंकि यह आम जनता कहती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार तो कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये लोगों का कहना है। इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया कि बंगाल में चुनाव था और बंगाल में बड़ा शोर था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और बिहार को भी नीतीश कुमार नहीं भारतीय जनता पार्टी ही बिहार को चला रही है, यह हम नहीं बिहार की आम जनता कह रही है। जब बंगाल चुनाव खत्म हुआ और 2 मई को परिणाम आया उसके बाद ही 5 मई से 15 मई तक बिहार को लॉकडाउन किया गया। जब संक्रमितों की संख्या घटने लगी तो फिर अहम बैठक बुला करके 15 मई से 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लेकिन जब संक्रमितों की संख्या अच्छे खासे घटने लगे, लोगों को आसानी से बेड मिलने लगा, ऑक्सीजन अच्छा से मिलने लगा तो फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई और जिसके बाद फिर से 25 मई से 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। अब उम्मीद यह भी है कि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या घट रही है, ऑक्सीजन की कमियां नहीं हो रही है, इस तरह से अब देखने के बाद आज फिर से नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार में फिर से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो न्यूज इंडिया तक की टीम भी आपसे अपील कर रही है कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से बिहार की जनता बिहार सरकार की और पुलिस प्रशासन की साथ दे रही है, वैसे ही साथ दे क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपनी जान जोखिम में डाल के सड़कों पर उतरी हुई है और लोगों से अपील कर रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करते रहें। न्यूज इंडिया तक की टीम भी आपसे अपील करती है कि बिना वजह आप घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ फहीम, न्यूज इंडिया तक, सिवान।